नमस्कार प्रिया जी, मेरी रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुजराती डिश मेथी का ढेपला बनाने वाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है और बहुत हेल्दी भी है। इस रेसिपी की खास बात ये है कि हम इस तरह से जब मेथी का ढेपला बनाते हैं, आप इसे दो दिन तक किसी भी यात्रा में अपने टिफिन में रख सकते हो और इसका स्वाद चख सकते हो, ये खराब नहीं होंगे। और अगर कोई बच्चा मेथी खाने में रुचि नहीं दिखाता तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को मेथी की सब्जी खिला सकते हैं। तो चलो रेसिपी को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमें इन सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक परात ली है और उस परात में मैं 2 कप बारीक कटी हुई और अच्छे से साफ की हुई मेथी डाल रही हूँ। उसमें हम 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रहे हैं। साथ ही जाएगा इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च। हरी मिर्च या फिर तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अगर आपको लहसुन इसमें नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ ही हम इसमें 2 कप गेहूं का आटा डाल रहे हैं, 2 चम्मच तेल, स्वादानुसार नमक और 2 चम्मच सफेद तिल डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा हिंग। हिंग ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए। और इसमें जाएगा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हम इसे अच्छे से अभी मिक्स कर लेते हैं और इसकी एक हम डो बना लेते हैं। हम इस आटे का जो डो बनाने वाले हैं उसे हमें सख्त ही रखना है, क्योंकि जो मेथी है उसको थोड़ा पानी छूटेगा तो और ये सॉफ्ट बनने वाली है, तो हम इसे थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे। और हमारी आटे के डो बनने के बाद हम इसे थोड़ा सा तेल लगा के फिर से इसे मसलेंगे। और इसे एक 15 से 20 मिनट तक बाउल में रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारे आटे की जो डो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। हम थोड़ा सा इसे फिर से मसलेंगे। और इसके छोटे छोटे लोई बना लेते हैं, मीडियम साइज के, जिस तरह से हमें चपाती बेलने के लिए लगते हैं उस तरह से हम सभी आटे के लोई बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी आटे की लोई ली है और इसको हम इस तरह से बेलन से छोटी सी पूरी जितना बेल लेंगे। और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2-4 बूंदे तेल डाल के हमें इसको इस तरह से घुमा घुमा कर, और साथ ही हम इसको सील कर देंगे। हम इसे थोड़ा सा आटा लगा के इस तरह से पूरी तरह से बेल लेते हैं। बिल्कुल पतला पतला बेलना है हमें। और इस तरह से बेलने के बाद हम इसे इस तवे पे डाल देते हैं। आधे से 1 मिनट बाद हम इसे इस ठेपले को पलट देंगे। इसको हम इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। हमें ज़्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है क्योंकि हमारा ठेपला जो है बहुत ही पतला पतला बेला है हमने। और दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा भी तेल लगा लेते हैं और हल्का सा इसे प्रेस कर लेते हैं। हम इस तरह से जब मेथी का ठेपला बनाते हैं तो आप इसे 2 दिन तक अच्छे से रख सकते हो और इसी तरह हम हमारे सभी ठेपले बना लेंगे। देखिए कितना प्यारा ठेपला बना है हमारा। तो लीजिए, तैयार है हमारे फेमस गुजराती ठेपला। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी बनती है ये। आप इसे अचार के साथ, टोमेटो की चटनी के साथ, दही के रायते के साथ
आलू की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। साथ ही आप हरी मिर्ची का जो महाराष्ट्रीयन ठेचा रहता है उसके साथ भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगती है, तो इसे एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप इसे आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरी हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।